निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, बजट में बढ़ सकती है ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन। तो जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन है, तो बजट पूर्व बैठक में उसके ऊपर चर्चा की गई है और इसे जो है वो बजट में रखे जाने की अपडेट जो है वो निकल कर आई है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ी खुशखबरी है, तो उसी के संदर्भ में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ये जो बड़ी अपडेट आई है, तो उसी के बारे में अभी हम जानकारी लेने वाले है। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आई है, तो इसके बारे में आप सभी को जानकारी मिल सके। और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक दे के रखा है, और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करना है, तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जी हाँ, सभी निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, बजट में बढ़ सकती है ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन। तो जी हाँ, ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत निजी क्षेत्र में कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का इस बार बजट में ऐलान संभव है। यूनियनों की लंबे अरसे से ये मांग रही है और माना जा रहा है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अपने बजट भाषण के इसका अवश्य जिक्र करेंगी। तो जी हाँ, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, जिससे यहाँ पर जो है वो बजट में बढ़ाया जा सकता है। आगे यहाँ पर अपडेट है कि यूनियनों खासदार भारतीय मजदूर संघ ने कुछ दिनों पहले श्रम मंत्री संतोष गंगवार के साथ हुई बैठक में ईपीएस के मुद्दों को उठाया था और न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की मांग रखी थी। यही मांग बजट पूर्व चर्चा में वित्त मंत्री के समक्ष भी रखी गई है। यूनियनों का कहना है कि जब सरकार ने असंगठित कर्मचारियों तथा व्यापारियों तक के लिए अधिक पेंशन का प्रावधान कर दिया है, तो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उससे कम पेंशन का कोई मतलब नहीं है। पेंशन की सीमा बढ़ने के अलावा मिल सकती है यह सुविधा। तो जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन है, तो उसे बढ़ाने के साथ जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक और सुविधा जो है वो मिल सकती है। ईपीएस में पेंशन सीमा बढ़ाने के अलावा बजट में ईपीएस के कम्यूटेशन अथवा अग्रिम आंशिक निकासी का पुराना प्रावधान फिर से बहाल किया जा सकता है। कम्यूटेशन के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय भविष्य निधि के साथ पेंशन की कुछ राशि एक मुश्त तौर पर लेने का अधिकार होता है, लेकिन इसमें मासिक पेंशन 15 वर्ष तक एक तिहाई की कम हो जाती है। वर्ष 2019 में इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया था, परंतु पिछले दिनों ईपीएफओ ने इसे पुनः बहाल करने की सिफारिश सरकार से की है। तो जी हां दोस्तों, जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का ऑप्शन है, तो उसे भी जो है वो बजट में पेश किया जा सकता है, ऐसा अपडेट जो है वो यहाँ पर मिला है। इससे जो है वो 6.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र में कर्मचारियों की आमदनी बढ़ाने के अन्य उपाय भी सामने आने की संभावना है, जिसमें आयकर की सीमा में बढ़ोतरी पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन हम यह उनकी चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हमारी नज़र कर्मचारियों की भविष्य निधि यानी ईपीएफ तथा स्वास्थ्य बीमा अर्थात ईएसआईसी से जुड़े कदमों पर है। इसके तहत ईपीएफ के शेयर बाजार में निवेश के बारे में कोई ऐलान हो सकता है, जबकि नए ईएसआई अस्पताल तथा डिस्पेंसरी के लिए अधिक आवंटन होने की संभावना भी है। आगे यहाँ पर संतुष्टि नाम से लॉन्च हो सकता है पोर्टल। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए हाल ही में संतुष्टि नाम से एक प्रकोष्ठ बनाया है। इस सिलसिले में संतुष्टि नाम से ही एक पोर्टल लॉन्च किए जाने की संभावना भी है, जिसके बारे में बजट में ऐलान हो सकता है। तो जी हां दोस्तों, यहां पर बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो उसके ऊपर फैसला हो सकता है। साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का जो प्रावधान था, तो उसे भी बहाल किया जा सकता है। तो जी हां, यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ी खुशखबरी है, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरे कर्मचारियों के साथ भी शेयर कीजिए,
ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आई है तो इसके बारे में सभी कर्मचारियों को पता चल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। पहले अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक देके रखा है, और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ₹300 का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करना है तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।